चौकी प्लैंक एजुकेशन नथिंग लेस। जो स्ट्रेट स्ट्रोक हमारे पास में आर के लिए हुक्ड होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक हुक फॉर आर, तो उनके अंदर हमारे पास में एक रूल आता है कि अगर उससे पहले ऐसा है, मींस पहले ऐसा है उसके बाद में हमारी जो हुक फॉर्म है वो आए, तो उसको हम कहां रिप्रेजेंट करेंगे। हमने सबसे पहले सीखा था कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक है और उस स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ में हमारे पास में एस है, चाहे वो इनिशियली हो चाहे वो फाइनली हो, तो हम एक लेफ्ट मोशन का सर्कल ऐड कर देते हैं, लेफ्ट मोशन सर्कल। अब यहां पर जो हमारे पास में एस आ रहा है बिफोर हुक फॉर्म, तो जो आर हुक लगता है वो राइट मोशन से बनता है, आर राइट मोशन से बनता है, राइट मोशन क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो इसके अंदर अगर पहले एस आ जाता है तो उसको उसके अंदर एज इट इज ऐड कर दो। एस प्लस में अगर हुक फॉर्म हमारे पास में आती है तो डायरेक्टली उसको हम ऐड कर देंगे। देखते हैं, प्राई एक वर्ड है, हमने प्राई की आउटलाइन ऐसे डाल दी। उसके बाद में अगर यही वर्ड स्प्री हो तो हम स्प्री एस इसी के अंदर ऐड, राइट मोशन का जो एस होगा वो पी आर यानी कि हुक के साथ में वो पढ़ा जाएगा। स्क्रीव, तो इसमें भी यहीं पे जो है स्क्रीव, यानी कि ये जो एस है वो के आर के अंदर जो है ऐड हो गया। अगर ये लेफ्ट मोशन से बनता स्क्रू तो स्क्रू पढ़ा जाता, अब ये राइट मोशन से बन रहा है तो स्क्रू पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से जो है वर्ड है हमारे पास में स्ट्रे, तो इसमें भी जो है हम स्ट्रे, ट्रे वर्ड था टी आर यानी कि आर का हुक टी के साथ में लग जाता, अब एस ओ रेड हो गया तो राइट मोशन का सर्कल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इनिशियली इसके अंदर हमारे पास में एस टी का लूप दिया जाता है, एस टी का लूप जैसे कि स्टटर, तो हम इस वर्ड में भी जो है राइट लूप बनाएंगे, स्टटर। राइट लूप का मतलब है, राइट साइड लूप का मतलब है कि हम इसके अंदर जो है आर हुक फॉर्म तो यूज कर ही रहे हैं, उससे तुरंत पहले एस टी का लूप भी यूज कर रहे हैं। वर्ड स्वीटर, टी के साथ में आर हुक यूज होगा लेकिन एस डब्ल्यू का जो इनिशियल सर्कल होता है वो वैसे तो लेफ्ट हैंड मोशन से बनता है लेकिन यहां पर जो है हम इसको राइट मोशन से बना रहे हैं। राइट मोशन का मतलब हमारे पास में साफ है कि ये एस डब्ल्यू साथ में टी आर का हुक अटैच कर देगा। अब इसी तरीके से कर्व स्ट्रोक्स में, कर्व स्ट्रोक्स में वर्ड आता है जैसे सफर, तो इसमें हुक इनसाइड कर्व बनता है, हुक जो होता है वो इनसाइड कर्व होता है। अब इसके अंदर जो सर्कल लगेगा वो उस कर्व के अंदर ही लग जाएगा। सफर, ये जो हुक बना इस हुक के अंदर ही छोटा सा सर्कल लग गया, क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल बना देते तो ये हमारे पास में एस पढ़ा जाता। हमने तो पढ़ा है कि जो एस बनता है वो इनसाइड कर्व बनता है, यानी कि ऐसे वर्ड अगर हमारे पास में आ जाता सेफ तो हम इसको इस तरीके से सेफ बनाते, तो इसीलिए हमने इसको हुक के अंदर सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। बीच में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिसीवर, ड सी व, यहां पर जो है हम इसी तरीके से इस फॉर्म को यूज करते हैं। और इसके अंदर जैसे वर्ड आ जाता है
सप्लाईज, तो ये पी एल का हुक है। इसमें भी हम कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएंगे, हम हुक के अंदर सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर सप्लाईज है बाइसिकल, उसको भी हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बाइसिकल। वर्ड जैसे आ जाता है सिविल, इसमें भी हम जो है सिविल, वर्ड में जो हुक आता है हुक के अंदर ही सर्कल बनाना है, अब कहीं पे और सर्कल कंप्लीट नहीं बनाना है। जैसे वर्ड आ जाता है सैचल, सैचल में भी जो है हम हुक बनाएंगे और हुक के अंदर ही हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास में सैचल आ जाएगा। वर्ड जैसे आ जाता है रिसाइटर, इसके अंदर भी जो है हम र साई टर, र साई टर, हम इसी तरीके से इसको यूज करते हैं। यहां पर ये जो डिफ्थोंग है यहां भी लगा सकते हैं और इसके अंदर भी लगा सकते थे, तो ये दोनों ही फर्स्ट प्लेस की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। लिस्ट पर, इसके अंदर भी जो है हम इसको ऐसे ही बनाएंगे लिस्ट पर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एल जो है वो अच्छे से दिखाया नहीं जा सकता, जैसे वर्ड एक ले लेते हैं हम फोर्सिबल, अब फोर्सिबल के अंदर जब वर्ड अच्छे से नहीं दिखाया जा सकता तो हम इसको जो है कंप्लीट आउटलाइन में डाल देते हैं फोर सी बल, हम इसके अंदर जो है इसमें कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हम अगर एस को लेफ्ट हैंड मोशन से घुमाते हैं तो ये ऑकवर्ड ज्वाइनिंग हो जाता है, तो हमें इसमें एल को दिखाने के लिए इसको कंप्लीट बनाना पड़ेगा। जैसे वर्ड आ गया हमारे पास में अनसेडल, अनसेडल में भी यही होगा अनसेडल, हमें ये वर्ड कंप्लीट बनाना पड़ेगा, यानी कि एल का जो हुक है वो नहीं बना सकते बीच में, उसके बनाने की जगह नहीं थी, तो इसलिए हमें इसको पूरा बनाना होगा। अब एक रूल इसके अंदर जो है वो ये कहता है कि जब भी एस के आर और एस जी आर ये दोनों फॉर्म आती हैं आफ्टर टी और डी, टी और डी के बाद में ये दोनों आती हैं, तो इस केस में हमारे पास में लेफ्ट मोशन सर्कल यूज होगा, यूज लेफ्ट मोशन सर्कल, लेफ्ट मोशन सर्कल को ही यूज करेंगे हम। जैसे कि हमारे पास में वर्ड है यहां पर टस्कर, तो इसमें हम टस्कर, इसी के अंदर जो है एस और के आर को जो है हमने इसमें ऐड कर दिया। अब एक सीधी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि आर को हमने ओमिट कर दिया, लेकिन यहां पर जो है एक दूसरे तरीके से मोशन देखें तो ये हमारे पास में जो है राइट मोशन के तरीके से है, लेकिन दिखता राइट मोशन के तरीके से है, बनाना सिर्फ लेफ्ट मोशन के तरीके से ही है। जैसे वर्ड आ जाता है डिग्री, तो डिग्री में भी जो है डी ग्री, यही वर्ड यूज हो रहा है। यहां पर हमने हाफ, देखो हाफ यहां तक आया और यहां तक हाथ ऐसे घूम गया, इसमें पूरा कर्व ही नहीं बना, तो इस तरीके से हम इसके अंदर आसानी से इसमें बढ़ा सकते हैं। अब सपोज कर लो हमारे पास में एस के आर पी बी के बाद आता है, यानी कि हमारे पास में पी बी और उसके बाद में ये एस के आर या एस के आर आता है, तो इस वर्ड में हमारे पास में आर जैसे यहां पे है लगभग लगभग वैसे ही ओमिट हो जाएगा। किस तरीके से ओमिट होगा इसमें, इसमें जैसे कि वर्ड है प्रेस्क्राइब, तो प्रेस्क्राइब में बनाते वक्त यहां पर प्रेस्क्राइब, यहां पर जो है एस का जो सर्कल है वो हमने बना दिया आउटसाइड एंगल,
और आर को यहां पर हमने ऑमिट कर दिया। वर्ड है जैसे यहां पर सब्सक्राइबर, तो यहां पर भी हम यही करेंगे कि सब्सक्राइबर हमने जो है यहां पर भी इसमें आर को ओमिट कर दिया। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.